आज जदयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक को लेकर पहले से ही काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। चर्चा इस बात की थी कि इस बैठक में आरसीपी सिंह भाग नहीं लेंगे, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि इस बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीते दिन जो लिस्ट जारी किया गया उसमें नाम आरसीपी सिंह का भी था और इस बैठक में शामिल भी हुए, अध्यक्षता भी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़े थे। तमाम जो जेडीयू के पदाधिकारी थे वो सभी लोग, बड़े नेता इस बैठक में जुड़े, वर्चुअल एक्चुअल माध्यम से जुड़े। लेकिन इस बीच ललन सिंह नहीं थे इस बैठक में। बता दें कि उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी थे। और उमेश कुशवाहा से जब सवाल किया गया कि पार्टी के संविधान के अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी होगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा और आगे जो बैठक होगी उसमें इस बात पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर इस पर विचार होती है तो पार्टी के संविधान में भी बदलाव किया जाएगा। क्या कुछ कहते हैं उमेश कुशवाहा, जरा सुनिए। पहले तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी, जो हमारी नई टीम बनी है प्रदेश पदाधिकारियों को, जो हमने जवाबदेही दिया है प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, प्रदेश पदाधिकारी, महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश सचिव और प्रकोष्ठ के जो हम लोग अध्यक्ष बनाए हैं उनको जो जवाबदेही दी है उसके आज उस कमेटी की बैठक की गई है। और ये महत्वपूर्ण बैठक था, इसमें हम सबके नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी और संजय झा जी और भी जो हमारे पार्टी के नेता हैं उन लोगों ने संबोधित किया है। और संगठन को धारदार और मजबूत बनाने के लिए, निचली इकाई तक के संगठन को खड़ा करने के लिए एक कार्यक्रम गठित किया गया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने संगठन के मैंने मजबूती के लिए चर्चा हुई। क्या मतलब कार्यकर्ताओं से क्या कहा गया? आपको मालूम है कि संगठन में हम लोग ने जो काम किया है संगठन ने, और जो सरकार की 15-14 वर्षों में जो बिहार को उन्होंने ऊंचाई दिया है, जो काम हुआ क्षेत्र में, जन जन तक हम लोग उसको लेकर जाएंगे संगठन के माध्यम से और संगठन को मजबूत करेंगे। सर, कंफ्यूजन की बात जो हो रही थी लगातार, उस पर सर? कन्फ्यूजन कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन जो है सिर्फ आप लोग का मामला है। आप देखा है कि आज जो आप जो प्रयास लगा रहे हैं, जो आप चर्चा करना चाहते हैं, जिस तरफ अपने आपका इशारा है, आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के सभी हमारे जो पूर्व के प्रदेश सदस्य हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित थी और हमारे संगठन का अहम यह बैठक था, सब लोगों ने संगठन की मजबूती पर चर्चा की। कोई कन्फ्यूजन बरकरार नहीं है। आप हमारे देख रहे हैं कि जो हमारा जो धारा है, जो हम लोग जो पार्टी का जो लॉज है, बायलॉज है, उस बायलॉज में जो उसमें जो संशोधन करने की जरूरत होगा संशोधन करेंगे, जब अगला बैठक होगा उसमें हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से पार्टी के जो हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनको घोषणा की है, वो सब लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं और ये मिलजुल के काम करें। तो मान लिया जाए कि एक नेता अध्यक्ष भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब ये जो है सब हम लोग ने बता दिया है आपको। अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहेंगे? बिल्कुल, अभी अध्यक्ष तो आरसीपी सिंह हैं, आगे भी और संगठन की मजबूती के लिए हम सब लोग मिल जुल के काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में। बिल्कुल, उन्हीं के नेतृत्व में सर क्षेत्र में हम लोग के पार्टी के सभी नेता को हम लोग टीम बना के, जो भी जाना चाहते हैं टीम बना के हम लोग सब लोग को भेज रहे हैं। और हमारे पार्टी के माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा भी दौरा कर रहे हैं। हमारा भी दौरा 23 तारीख से पूर्णिया से लग रहा है, 23 को पूर्णिया है, 24 को कटिहार है, 25 को किशनगंज है, 26 को अररिया है। इसी तरह आगे का भी कार्यक्रम हम आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद। तो आरसीपी सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता काम करते रहे? बिल्कुल।